जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा उन भारतीय नेताओं में से एक हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की और एक बड़ी ऊंचाई हासिल की है। अपने कुशल नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता के कारण वह निरंतर उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व में एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए अमित शाह का उत्तराधिकारी चुना गया है। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं उनके छात्र राजनीति के संघर्ष से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर का सफरनामा। हिमाचल प्रदेश में मोदी से बने नजदीक रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा के अटूट रिश्ते रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे उस वक्त नड्डा की हिमाचल प्रदेश में लोकप्रियता से वह बेहद प्रभावित थे। इसी दौरान दोनों नेता एक दूसरे के निकट आए। दोनों नेताओं को एक साथ काम करने का मौका मिला। उस दौरान कई बार दोनों नेता अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में एक साथ रहते थे। यही वजह रही कि 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2019 में जब उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो यह तय माना जा रहा था कि पार्टी अध्यक्ष का पद उनकी ताजपोशी तय है। छात्र जीवन से ही नड्डा की दिलचस्पी राजनीति में रही है। महज 16 की उम्र में वह जेपी आंदोलन का हिस्सा बने। इसके बाद वह सक्रिय छात्र राजनीति में प्रवेश किए। उनके नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 1982 में उन्हें हिमाचल में विद्यार्थी परिषद का प्रचारक बनाकर भेजा गया। उन्होंने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया और हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद को मजबूत किया। उनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहली बार एबीवीपी का परचम लहराया। 1993 में पहली बार विधायक बने। 1991 में वह भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष बने। 1993 में वह पहली बार हिमाचल प्रदेश से विधायक निर्वाचित हुए। 1994 से 1998 तक वह विधानसभा में पार्टी के नेता पद पर रहे। 1998 में वह लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। केंद्र में वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में वह दोबारा लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया उन्हें। वर्ष 2010 में वह भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2012 में वह राज्यसभा के लिए चुने गए। तो वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया।